और यहाँ पे हैं हमारे शाह जी, वो भी कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए पसीना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान बहुत ही ज़बरदस्त गुजर रहा होगा और हम आपके लिए लेके आए हैं रमज़ान सीरीज़। कोशिश करते हैं कि हर रोज़ आपके लिए कोई ना कोई वीडियो जो है वो आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हूँ, और हर रोज़ की जो भी हमारी रूटीन है वो आपके साथ रमज़ान की इफ्तार की रूटीन आपके साथ शेयर की जाए। तो अभी भी शाह जी किचन में बिज़ी हैं, जैसे रोज़ वो मेरे साथ हेल्प करवा रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अपने व्लॉग का स्टार्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे बैठी हुई है मिंसा और फिज़ा। मैं फिज़ा को पढ़ाई कर रही हूँ और फिज़ा पढ़ भी नहीं है, मैं कलर कर रही हूँ तो फिज़ा के, और फिज़ा मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो आपको किसने कहा आप फिज़ा से दिमाग ख़राब करवाओ? ये देखें, ये इसको पढ़ा रही है, मुझे कहती है मैं फिज़ा को पढ़ाती हूँ, और फिज़ा को देखें फिज़ा क्या कर रही है। फिज़ा अस्सलाम वालेकुम बोलें, इधर इधर करके मुँह इधर ऊपर देख, ये पढ़ कम रही है, पॉपिट के साथ खेल ज़्यादा रही है, और इधर मिंसा भी इसको पढ़ा कम रही है, बस कलरिंग किए जा रही है, इनका यही शुगल है। अच्छा देती हूँ, वहाँ पे जाके देखते हैं अब नमीरा क्या कर रही है। उसको लैदा बिठाया हुआ ड्राइंग रूम में, और ये देखें जी नमीरा को मैंने यहाँ पे बिठाया हुआ पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वो दोनों शोर करती हैं। तो ये इसको मिला था, प्रोजेक्ट था इसका पाकिस्तानी फ्लैग बनाने का, तो ये नमीरा ने बनाया था। 18 मार्क्स। अभी कौन से बुक की डेट शीट मिली, वो मिला हुआ है डायरी, ये देखें जो कल आपको बताया था कि हमने कपड़े शपड़े निकाले हैं रखे हैं, अभी ये गंद पड़ा हुआ है ड्राइंग रूम में, ये समेटने वाला है, ये अटैची रखा हुआ है, अभी इसमें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो चीज़ें जो है वो सेटिंग होंगी। तो नमीरा अभी सबक पढ़ रही है, और शाह जी को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। ये देखें जी शाह जी अपनी रूटीन के मुताबिक काम में बिज़ी हैं, ये बना रही, ये इन्होंने काट लिए हैं आलू तासा चिप्स के लिए, ये है बेसन, अभी इसमें चीज़ें मसाले ऐड करेंगे, ये नमक शामिल कर दिया साथ में, अभी इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, अभी इसमें डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स डालने, आपके हाथ को क्या हुआ? काम करते हो। अच्छा, और यहाँ पे ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए, और आज ये प्रेशर कुकर में मैं बना रही हूँ माश, साबुत माश और चने की दाल मिक्स करके, जिसको हम माँ छोलियों की दाल बोलते हैं, और साथ बनाऊँगी वाइट चावल। तो ये चावल मैंने जो है भिगो दिए हैं, दाल मेरी बॉयल हो गई है, अभी बस इसको तड़का लगाना बाकी है, तो ये बस इसका प्रेशर खोलूँगी और इसको सिर्फ लहसुन का तड़का लगाऊँगी, बाकी नमक मिर्च हल्दी मसाले मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे शाह जी पकौड़े फ्राई, सॉरी वी चिप्स फ्राई करेंगे, और फिर उसके बाद पकौड़े, तो वो जो भी सीन होने वाला है आगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे जी। तो व्यूअर्स जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं लहसुन का तड़का बनाऊंगी, और ये मैंने इसमें ऑयल में ये ऑयल डाल दी, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, पैन को ला कर दिखाती हूँ, इसमें मैंने जो है वो लहसुन क्रश करके डाल दिया, ये अभी फ्राई होगा, और साथ साथ और साथ साथ यहाँ पे हमारे जो पतासा चिप्स हैं वो फ्राई हो रहे हैं, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त जो है ना वो लग रहे हैं हमारे चिप्स। और यहाँ पे बनाने वाले की लाते हैं, और यहाँ पे हैं हमारे शाह जी, वो भी कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए पसीना, सही पता लग रहा है कि मेहनत हो रही है। और यहाँ पे ये ऑयल हमारा हीटअप होना शुरू हो गया, अभी इसको फ्राई करती हूँ, इसका तड़का मैं ऐड करती हूँ अपनी दाल में, मैं अभी वो भी आपको खोल कर दिखाती हूँ कुकर, ये देखें जी ये है जी हमारी दाल, इसको अभी तड़का लगा कर थोड़ी देर के लिए और मैं ज़रा कुक करूँगी, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है, दाल बिल्कुल मिक्स होनी चाहिए। तो अभी जैसे ही ये तड़का ऐड करती हूँ, फिर उसके बाद 5-1 मिनट के लिए मज़ीद प्रेशर कुकर में इसका लगाती हूँ, तो फिर दाल हमारी रेडी हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम चावल बॉयल करने के लिए रख देंगे। ये देखें जी ये कढ़ाई फुल हो गई है, चिप्स फ्राई होते हैं, तो फिर पकौड़ों का सामान इतनी देर में लेके आते हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो पकौड़े फ्राई करने का होगा। ये देखें जी हमारे फ्राइज सॉरी चिप्स कितने अच्छे से जो है बन गए हैं, ये पकौड़ों के लिए बैटर रेडी हो रहा है, ये आप रेडी होता है तो साथ ही आप पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। और यहाँ पे ये थोड़े से चिप्स और रहते हैं, और इग्नोर कीजिएगा शोर को, क्योंकि प्रेशर कुकर जो है वो ऑन है इस वक्त, इसको मज़ीद 2 मिनट और लगाऊँगी तो फिर इसको मैं उतार लूँगी चूल्हे, और अंदर जाके अपना सेटअप वगैरह रेडी करते हैं।
तो व्यूअर्स अभी सिर्फ मैं खजूर और ये चाट ही रख सकी हूँ। नमीरा के लिए बनाया हुआ पराठा और साथ ही होगी अफ्तारी। अभी नमीरा दुआ पढ़वाएगी और हम करेंगे अफ्तारी। अफ्तारी करते हैं। ये आ गए शाह जी भी किचन में। अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए बंद करके चिप्स निकल गए हैं, अब पकौड़े बनाने रह गए हैं सिर्फ। साथ साथ वो करते हैं। नमीरा से मैंने पूछा, कहती है मैं पराठा रोल पहले खाऊंगी। नमीरा को पराठा रोल ला के देता है और बाकी ये जाओ बैठ जाओ। मुझे भी पराठा बहुत। आपने दिन को खाया था ना मम्मा? फिजा का मिनसा का रोजा नहीं था, इनने दोपहर को पराठा रोल खा लिया था। नमीरा का रोजा था तो ये रह गई खाने वाली। क्या हुआ? खड़ा नहीं होना। अच्छा कोई बात नहीं, तो अभी मैं इनको पराठा रोल ला के देती हूँ, फिर बाकी चीज़ें हम बाद में खाएंगे। ये देखें जी, ये नमीरा का आ गया जी पराठा रोल। अब इसको समझ नहीं आ रही कि मैं खोलूँ किधर से, तो वो मैं इसको बताती हूँ। ये ऊपर से पूरा रैपर, ये वाला पूरा उतार लूँ। आपने आगे खाया जी? चलें ये खाती हैं, तो बाकी चीज़ें मैं लेके आती हूँ। ये देखें जी, ये है नमीरा का पराठा रोल और ये है नमीरा। मुँह जलेगा उसका, गर्म है। चलें ये खाती हैं और फिजा को मैं चिप्स ला के दूँ। जूस चाहिए। ये देखें जी, यहाँ पे पकौड़ा जो है वो फ्राई हो रहे हैं, अफ्तारी हो गई है, साथ साथ हम खा पी भी रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने कलरफुल से जो पकौड़े हैं हमारे वो दिख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये दो जो हैं दो तीन बन गए, मैं कुछ मैं बच्चों को दे भी आई हूँ, तो बस यही वाले बनते हैं, फिर आपको दस्तरखान पे लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके वहाँ के सीन्स भी दिखाते हैं जी। तो व्यूवर्स ये हमारा आ गया जी, पकौड़े भी रेडी हो गए, ये चाट पड़ी हुई है, कुछ कुछ जिस जिसने कुछ खाना था वो खा लिया। नमीरा ने भी खा लिया फिलहाल। क्या खाया आपने? पराठा रोल खा लिया। शाहजी ने भी पराठा रोल खा लिया। आज की इफ्तारी बड़ी लेट हो गई है। चले पराठा रोल खा के गुजारा हो गया था ना, इस वजह से जो है वो अभी तक चल रही है। और ये फिजा ने भी क्या खाया? फिजा आपने क्या खाया? चिप्स खाए हैं। रोल पराठा, रोल पराठा, रोल पराठा, रोल पराठा खाया है। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी से हमारे पकौड़ा ने मुझे अपी दी की वो रेडी हुए। वाह, ने मुझे अपी दी की एक एक और अपी। वाह, इधर भी इधर भी। और ये बैठी इधर भी। अब मैंने नहीं दिखाया, अभी फिर दिखाएं। इधर भी इधर भी। जोरदार होगी। फिजा ने कौन करेगा? नौजी पे, नौजी पे, नौजी करनी है मेरी, करोगी? नहीं बाबा की चिन्ह तो है नहीं, यानी तो चिन्ह पे भी करते हैं। हाँ मेरी चिन्ह ढूंढ के पपी कर दो। बाबा की चिन्ह किधर है? चीक से ये चिन्ह किधर है? चिन्ह इधर है, इधर इधर इसके अंदर, इधर चिन्ह दाढ़ी है चिन्ह के ऊपर दाढ़ी। चलें जी, अफ्तारी वगैरह हमारी होगी है, अभी हम जो है वो वीडियो का इख्तिताम करते हैं और उसके लिए मैं कैमरा दूंगी शाहजी को और वीडियो का एंड मैं करूंगी। और दवाएं लेने के लिए बेगम साहिबा की तरफ चलते हैं ऐसे जी। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपकी आज की अफ्तारी भी बहुत ही ज़बरदस्त गुजरी होगी, क्योंकि गर्मी अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज फिर काफ़ी गर्मी थी और अब पंखों का और एसी का मौसम काफी हद तक जो है वो आ गया हुआ है। कुछ दिनों तक एसी भी खुल जाएगा, हमारा ओपनिंग शुरू हो जाएगी, वो भी आपको दिखा देंगे। रमजान के दौरान एसी मार्क एंड तीन से चार दिन बाद एसी ओपन कर देंगे, ऑन हो जाएगा। तो अभी जो है हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में हमें बता करते रहा करें। हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी फैमिली के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज देके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और अब बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, ढेरों कामयाबियाँ दे और अपनी हिफाजत में रखे और आपके दस्तरखानों को अल्लाह ताला मज़ीद वसअत अता फरमाए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।